Okay, let's study about what are the determinants of market demand or factors influencing market demand. Question चाहे पूछे determinants of market demand, मतलब क्या क्या वो चीजें हैं जो असर करती हैं हमारी डिमांड पे या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड. आंसर सेम होना है. हम सिर्फ एक बार पॉइंट्स देखते हैं, हर एक पॉइंट को फिर डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहला, मेरी डिमांड किसी भी चीज की सब के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे होती है? उसकी प्राइस से. ओके, यदि प्राइस कम है, मैं ज्यादा डिमांड करूंगी. प्राइस बहुत ज्यादा है तो बहुत कम डिमांड किया जाता है. जैसे कि डायमंड बहुत महंगे होते हैं तो उनकी कम डिमांड होती है, राइट. फूड प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, ज्यादा डिमांड किए जाते हैं और वो जरूरी भी है लाइफ के लिए. सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड हैज टू बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्योंकि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. इसलिए कैसी रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना है. सेकेंड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कंज्यूम टूगेदर टू सेटिस्फाई वन सिंगल वॉन्ट. एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, राइट. और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर. जैसे कि हमने इन गुड्स में कॉम्पिटिशन रहता है, टी या कॉफी, हाँ, कोक या पेप्सी, ऐसे. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों इफेक्ट करती है किसी प्रोडक्ट के डिमांड की डिमांड को. ओके, थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी हायर इनकम होगी उतनी परचेजिंग पावर अच्छी होगी, उतना ही डिमांड वो हाई करेगा. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इम्पॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही हमेशा यहाँ पर. जनरली इंडिया जैसे मार्केट में तो देखने को ही मिलता है कि इनकम जो कि बहुत ज्यादा इनकम कुछ कम लोग कमा लेते हैं और वो ही ज्यादा चीजें डिमांड करते हैं. सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नाउ फिफ्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इफेक्ट करती है डिमांड को, राइट. एग्जाम्पल बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स यदि गवर्नमेंट ने लगाया तो इंक्रीज क्या हो गई? डिमांड ऑफ पेपर बैग्स. सो गवर्नमेंट पॉलिसी ने इफेक्ट किया. नाउ टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्स क्या? जो इनकम होती है उसको टैक्स करती है गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो ज्यादा ज्यादा यदि टैक्स लगा देगी तो सेविंग कम हो जाएगी लोगों की, तो वो लोग डिमांड भी लेस करेंगे. और यदि कम टैक्स लगाएगी तो लोगों की सेविंग ज्यादा हो जाएगी और वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे. तो टैक्सेशन पॉलिसी ने भी इफेक्ट किया. नेक्स्ट, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा लोग तो ज्यादा डिमांड एंड वाइस वर्सा. जैसे इंडिया में डिमांड ज्यादा होगी कि श्रीलंका में? ऑब्वियसली इंडिया में होगी ना, क्योंकि लोग ज्यादा हैं यहाँ पर. सो पॉपुलेशन इफेक्ट्स द डिमांड. नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस एंड फैशंस. अभी किसी को चाय पीना पसंद है तो वो कॉफी पिएगा कि चाय पिएगा? उसकी टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चाय है तो चाय की डिमांड करेगा, राइट. हैबिट्स, यदि किसी शराबी को हैबिट है अल्कोहल पीने की, लिकर पीने की, तो क्या होगा? तो वो लिकर की डिमांड करेगा. वैसे ही फैशंस, ट्रेंड चेंज होता रहता है. जो लोग फैशन को फॉलो करते हैं वो ट्रेंडी चीजें मांगेंगे, आउटडेटेड चीजें नहीं मांगेंगे. इसलिए ये भी इफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. यदि मैं मानती हूँ कि आगे किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, हाँ, तो मैं अभी खरीद के रखूँ, तो ये एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस है जो कि मेरी अभी की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही है. सो यदि डिमांड फ्यूचर की घटने वाली है, कम होने वाली है, तो आप क्या करोगे? और यदि डिमांड फ्यूचर की बढ़ने वाली है तो आप क्या करोगे? ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में. एडवर्टाइजमेंट. ओके, कोई हाईली एडवर्टाइज प्रोडक्ट होता है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ती है. जो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनीज लाइक कोको कोला, पेप्सी या फिर कोई कोई सोप कंपनीज, वो लोग हाईली एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट. ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट डिमांड बढ़ती है. नाउ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस क्या होता है?
यदि रेनी सीजन है तो आप बहुत ज्यादा अम्ब्रेला और रेनकोट्स की डिमांड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। तो ये क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस पे चीजों की डिमांड निर्भर करती है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, देखो कई चीजें जैसे कि दिया और मिठाइयाँ दिवाली पे कितनी ज्यादा डिमांड में है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये सारे पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट हमेशा प्राइस ही होना चाहिए, क्योंकि ये मेन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट की डिमांड को। नाउ लेट्स स्टडी एवरी पॉइंट इन डिटेल।